सही है। तो हमें पढ़ना क्या था, मेथड ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है पहले यह जान लो। कम्युनिकेशन में बताया था इससे पहले की क्लासेज में भी तुम लोगों को, जैसे मैं अभी तुम लोगों से बात कर रहा हूँ ना, तो यह क्या है, कम्युनिकेशन है। तो बातें करने की जो प्रोसेस होती है, एक दूसरे से हम लोग जो बातें करते हैं, इसको हम कम्युनिकेशन कहते हैं। कम्युनिकेशन तीन तरह के होते हैं बेटा, तीन तरीके से हम एक दूसरे से बातें कर सकते हैं। सबसे पहला जो मैं अभी कर रहा हूं, ये कौन सा फॉर्म है, वर्बल। यह वर्बल फॉर्म है जिसमें मैं तुम लोगों से बातें कर रहा हूं, बोल रहा हूं, तुम लोग सुन रहे हो। दूसरा फॉर्म होता है और मैं इस बोर्ड पे कुछ लिख दूं, लिखूंगा तो अभी फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है, तुम्हारे तक इंफॉर्मेशन पहुंचेगी। यस सर। और तीसरा होता है बेटा एक्सप्रेशन, या नॉन वर्बल बोलते हैं उसे, या एक्सप्रेशन। जैसे कभी गुस्सा आता होगा तो अपने दोस्त को दूर से दिखाते हो, समझ रहे हो ना, होता है ना, उसे बताने की जरूरत नहीं होती, जब ऐसे करते हो समझ जाता है कि मतलब क्या है कहने का, है ना। अब कुछ ऐसे ही बोल देते हैं, ठीक है बाहर मिलना, तो ठीक का मतलब समझ जाता है, ये भी नॉन वर्बल में हो गया। बाहर मिलना मतलब बाहर तो से तो रोज ही मिलते हैं, वर्बल लाइफ जो एटीट्यूड होता है, जो एक्सप्रेशन होता है चेहरे का, वो तो कुछ और बताता है बाहर मिलने का मतलब। वो तो रोज ही मिलते हैं, कहीं नहीं संजना, संजना नहीं आचर, हमेशा कंफ्यूजन हो जाता है। तो हमें इसके बारे में जानना है, सबसे पहला हमें जानना है वर्बल कम्युनिकेशन। तो वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, वह कम्युनिकेशन जिसके द्वारा हम अपनी बातों को, अपने विचारों को बोल के एक दूसरे तक पहुंचाते हैं, उसे क्या कहते हैं, वर्बल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। यानी हमने अपनी बातें तुमसे कही, किस माध्यम के थ्रू कहा, हमने बोल के, मैंने बोला और तुम्हारे तक ये बातें पहुंच गई, तो यह हो गया वर्बल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। सेकेंड है या ओरल कम्युनिकेशन जिसे कहते हैं। सेकेंड हो गया रिटेन। अगर मैं अपनी बातों को बोलने के बजाय यहां पे लिख दूं कि टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द यूनिट वन कम्युनिकेशन, कि आज मैं क्या लिख दिया यहां पे, लिख दूंगा कि कम्युनिकेशन चैप्टर को पढ़ाऊंगा, तो मैंने बोला नहीं, उस समय बस लिख दूं, तो क्या समझ लोगे तुम लोग, तभी समझ जाओगे कि मैं क्या पढ़ाने वाला हूं, या मैं बोल के बताऊं तुम्हें। तो कौन सा फॉर्म हो गया, जैसे तुम लोग व्हाट्सएप पे करते हो, सिंपली अपने मित्र को फटाक से क्या कर देते हो, एक मैसेज भेज देते हो, समझ गया। और कभी सर कहते हैं कि बात नहीं करना है, कीप साइलेंट, तो धीमे से झूठ पर्ची बना के अपने दोस्त को लिख देते हो, हाँ कि 5 मिनट बाद बोलना सर मुझे टॉयलेट जाना है, समझ दिए, वो समझ गया टॉयलेट जाना है, 5 मिनट बाद पहले वो बोलेगा सर मैं आई गो टू टॉयलेट, वो गया फिर दूसरा भी बोलेगा, फिर वहाँ खूब जम के बतियाएंगे, हाँ। तो वो भी हो गया दूसरा फॉर्म। और तीसरा फॉर्म मैंने बताया ही है कि मान लो क्लास में है, एग्जाम चल रहा है, एक निकल के गया और गेट सामने आके बोला, बस आँख को ऐसे घुमाया तो समझ गया, बस एक पहुंच गया, हमें भी जाना है, और जाते वहाँ, अच्छा बताओ चौथे का कौन सा ऑप्शन टिक किए हो, हाँ अच्छा थोड़ा से बता दो, तो ये वाला भूल रहा हूँ, बस यही ना, चल बस ऐसे बस सर हिलाना है, बोलने में जरूरत वहाँ नहीं पड़ती है, दूसरा समझ जाता बस बुला रहा है ना। ये तीन फॉर्म के बारे में पढ़ना है, ये तीन हो गया। अब ये बातें आ गई कि हमें क्या करना है, सबसे पहले क्या जाते हैं, अब रिटेन जब करोगे बेटा तो लिख के करते हैं, तो उसमें भी क्या ध्यान देना चाहिए रिटेन कम्युनिकेशन में, रिटेन कम्युनिकेशन में हमें ध्यान देना चाहिए कि जो भी बातें हम लिख रहे हैं उसमें स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, ग्रामर मिस्टेक ना हो, और जो भी चीज लिख रहे हो क्लियर हो,
और कोशिश करते हैं कि जब बातें कर रहे हैं तो छोटे शब्दों में हमारा बात खत्म हो जाए। जैसे आप लोग एप्लीकेशन लिखते हो, मान लो तुम्हें छुट्टी चाहिए और एप्लीकेशन क्लास टीचर को देना है, तो कोशिश करो कि कम से कम शब्दों में अपनी बातों को कर दो। जब रिटर्न फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन करते हैं, तो मान लो 5-6 पन्ने में तुमने एप्लीकेशन लिख दिया, पूरा दर्द दुख दर्द कितना है, क्या क्या समस्याएं तुम्हें हो रही है जिसकी वजह से छुट्टी चाहिए था। हाँ, मान लो कोई दोस्त पार्टी के लिए बना दिया, आज तो सुबह से पार्टी पे चला जाएगा, भौरी चौके की व्यवस्था होगी, हाँ तो वहाँ पे चल के तो करना पड़ेगा व्यवस्था, और पूरा दुख दर्द उसमें बता दोगे, टीचर भी पढ़ के समस्या में आ जाएगा। सिंपली बोल देते हो आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, छोटा हो जाता है सब ना। हम कोशिश क्या करें, अपनी बातों को छोटे में लिखें, इतना लिखें जितनी की जरूरत है। हम अनावश्यक, इसका छोटे का मतलब क्या है, अनावश्यक चीजें हम ना लिखें उसमें, जितनी जरूरत है उतनी चीजों को ही लिखें, छोटे सा मतलब यह है। और दो चीज का तो हम स्पेशल ध्यान देंगे, क्या क्या, ग्रामेटिकल मिस्टेक ना हो और स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, रिटेन फॉर्म में होगा। अब आ जाते बेटा वर्बल फॉर्म में या ओरल फॉर्म जिसे बोलते हैं, जिसमें हम जैसे भी बातें कर रहे हैं तो कुछ चीजों का हमें ध्यान देना चाहिए। जैसे पहला, मान लो बात कर रहे हो और हाथे रगड़ते ऐसे चल रहे बार बार, तो सामने वाले के अपने मित्र हैं तो कोई समस्या नहीं, तुम कोई भी पोजिशन लो, पैर उसके सामने रख के बात करो, कोई समस्या नहीं, तुम्हारा मित्र है। लेकिन जब हम प्रोफेशनल टॉक करते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे हाथ रगड़े ना या बांधे ना रहे ऐसे। इससे क्या होगा, जब हम बातें करते हैं तो बहुत सारी चीजें जो है ना हाथ से क्या करते हैं बताते भी रहते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। हाथ या हाथ पैर या मूवमेंट जो है हमारा, ये क्या करता है, हमारे जो ओरल कम्युनिकेशन कर रहे हैं इसको और बेहतर बनाता है। क्या बनाता है, और बेहतर बनाता है बेटा। तो रब ना करें, फिर बातें कर रहे हैं, मान लो सामने है मेरे, उसी से बात कर रहा हूँ, मान लो मैं बिना से ही बात कर रहा हूँ, बिना मौर्य से, अब बातें इससे कर रहा हूँ, देख रहा हूँ यहाँ छत पे प्रोजेक्टर देखने लगा, फिर बाहर देख रही, अच्छा कोई आ तो नहीं रहा, तो यह चीज़ें भी अच्छी नहीं होती। ड्यूरिंग द कम्युनिकेशन वी कॉन्ट सी हियर एंड देयर, बात करते समय इधर उधर ना देखो, कंसंट्रेट करो जिन पे हमें बताना है। जैसे हाँ, मुझे तुम लोगों को पढ़ाना है और मैं बार बार दरवाजे की तरफ देख के बोल रहा हूँ, तो तुम्हें समझ नहीं आएगा सर हमें पढ़ा रहा है कि दरवाजे को पढ़ा रहा है, होगा नहीं होगा ऐसा। मैं बार बार जंगले को देखते रहूँ, पढ़ाते रहूँ, तो तुम्हें महसूस होगा ना सर मुझे पढ़ा रहे हैं या जंगले को पढ़ा रहे हैं। तो ये बातें करते समय हम इधर उधर ना देखें, हाथ को बांधे ना रहें या हाथ से ऐसी कोई एक्टिविटी ना करें जो कि बुरी हो। फिर क्या नहीं करना चाहिए, बैठते जैसे बातें कर रहे हैं तो बातें करते समय हमें यह याद ध्यान रहे कि हमारे बॉडी पॉस्चर यानी जो शरीर का पोजिशन है वो सही हो। सही होने का तात्पर्य क्या है, जैसे कुछ लोग बातें करते हैं और सामने वाला है मेज बैठा तो आप पैर दोनों पैर ऊपर उसके सामने ही कर दिए, या ऐसे रिलैक्स हो गए हैं कि समझ नहीं आ रहा हो कि उनसे बात कर रहे हैं कि या सो रहे हैं, वो होता है ना। जब कभी तुम लोग ध्यान देना, वैसे अपने मित्रों या वैसे किसी के पास गए हो बात करने के लिए, किसी इंपॉर्टेंट बात के लिए, और खूब आराम से उस तकिया उकिया लगा के बोल रहा है, तो तुम्हें ऐसा ही महसूस होगा कि यार मुझे कोई इंपॉर्टेंस यार नहीं दे रहा, भले वो कितना इंपॉर्टेंस तुम्हें दे रहा हो लेकिन ऐसा महसूस जरूर अच्छा होगा कोई इंपॉर्टेंस मेरी नहीं है, या तुम वहाँ बैठे हो और तुम्हारे सामने पैर कर दिया या ऐसी कोई हरकत कर रहा है बॉडी की, तो बेहतर नहीं होगा। तो कोशिश करें कि हम जब किसी बातें करें तो स्ट्रेट रहें, अटेंशन उस पर ध्यान दें, और सही एक सही तरीका जो होता है बैठने का, या खड़ा है तो खड़े होने का, वैसे रहें, ठीक है। फिर थर्ड, बिना मतलब के बॉडी मूवमेंट ना करें। जैसे कुछ लोग होते बातें कर रहे हैं और कहीं बगल में मान लो क्या करते हैं, खेसारी लाल का गाना चल रहा हो तो पैरों हिलाने लगेंगे, थोड़ा दो चार उसमें स्टेप भी हो जाता है, कर तो बात रहा है लेकिन खेसारी लाल का गाना सुन के थोड़ा सा मनोरंजन भी हो गया है ना ऐसा, या मनोज तिवारी का
ऐसे बहुत सारे गायक हो गए। इस मान लो हम लोग की तरफ भोजपुरी वाले ज़्यादा हैं तो सुनते होंगे, ऐसे ही ना। तो हम क्या करें, बातें करते समय कोई भी ऐसी बॉडी मूवमेंट या नब करें जो कि अच्छा न लगे, बैठने का तरीका सही हो, साथ अपने बॉडी को ऐसा मूवमेंट न दें जो कि दिखने में अच्छा ना लगे। फिर मैंने कहा ना कि अब बातें करते समय, जो बात कर रहे हैं हम, मैं तुमको कुछ पढ़ा रहा हूँ या कभी टीचर को पढ़ाते देखोगे तो कभी वह एक जगह खड़े होके या एक पोजिशन में नहीं बताएंगे, मूवमेंट होते रहते, या तुम खुद ही बोलो, स्पीच दो, एकदम ऐसे खड़े होके अब बोलने की कोशिश करो तो तुम खुद ही लगेगा यार कौन मुझे पकड़ लिया है, लगता है ऐसा। और यही प्रॉब्लम होती है बच्चों की जो स्पीच वगैरह देने, जब कभी कभी समटाइम हम लोग साथ भी होता है कि 800-900 बच्चे बैठे हैं या खड़े हैं सामने, उनके सामने बोलना है तो एक हेजिटेशन अंदर पर रहता है, तो ऑटोमेटिक हमारा शरीर बंद जाता है, हम सीधे हो जाता है टेंशन में, एंड दैट टाइम क्या होता है हम रिलैक्स फील नहीं कर रहे हैं और गलतियां हमसे ज़्यादा होती हैं, ठीक है। जब हम रिलैक्स फील नहीं करेंगे तो क्या होगा, गलतियां हमसे ज़्यादा होंगी। तो कोशिश करें कि फ्रिज ना रहें, फ्रिज जब रहोगे बेटा तो होगा क्या, यही महसूस होगा हम जकड़े हुए हैं, एक बधे हुए हैं, और जब तक फ्री नहीं होगा दिमाग तब तक बातें हम नहीं बेहतर ढंग से कर पाएंगे नहीं। तो हमें कोशिश क्या करना चाहिए कि उसमें फ्रिज ना रहे, नहीं जमे ना रहे, जगह से मूवमेंट जिसकी जरूरत हो, जैसी में मूवमेंट की जरूरत हो वैसा मूवमेंट करते रहे। ये सारे कुछ क्या है, ओरल कम्युनिकेशन के रूल्स हैं, यानी ये सिर्फ ध्यान देते रहना चाहिए जब हम किसी के साथ ओरली कम्युनिकेट कर रहे हैं। अब यह तो हो गया सिंपल, हमें जो चीज ध्यान देना चाहिए, और एक बेहतर बेस्ट कम्युनिकेशन का के लिए हमें क्या क्या चाहिए सीखना, यह चीजें जान लेते हैं कि अगर एक बेहतर कम्युनिकेशन हम करना चाहते हैं हमें क्या क्या सीखना चाहिए। तो बेनिफिट्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स, क्या करना चाहिए और क्या क्या हमें फायदे मिलेंगे, जैसे यार हेडिंग है बेनिफिट्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स। इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल है तो उसका बेनिफिट क्या होगा, जैसे कभी ये ध्यान देते हो कि कुछ लोग बोलते हैं तो तुम्हें बहुत अच्छा लगता है, सुनना बड़ा अच्छा लगता है, और बोलेंगे तो एकदम ऑटोमेटिक तुम लोग शांत हो जाओगे और बातें सुनोगे। या कुछ लोगों की जिस नेताओं की भाषण देख लो, कुछ नेता क्या करते हैं उनकी भाषण सुनने के लिए लाखों की भीड़ जमा होती है सिर्फ उनकी बातों को सुनने के लिए, और कुछ नेता हैं जो बोलना शुरू करें तो अगर तुम वहाँ पे समय लगा के गए हो तभी सब ऐसा हिम्मत निकल चले, वो अलग बात है, कुछ लोग 500 रुपया पैकेट में लेके चलते हैं भाई, अच्छा 500 ले लो चलो उनका भाषण सुनना है, उनको मजबूरी रहती है, कान में रुई लगा कर बैठे रहते हैं। तो होता क्या है, जैसे हम अगर बेहतर वक्ता हैं, अच्छी बातें बोल रहे हैं, ठीक है, होगा क्या सभी लोग सुनना पसंद करेंगे। तो क्या कर सकते हैं बेहतर बनने के लिए सबसे पहला देखो, कुछ चीज बोलने के लिए अगर मुझे मान लो तुम्हारे सामने कुछ बोलना है या तुम्हें कुछ बोलना है तो पहले बोलने से पहले वो चीजें जानते रहना चाहिए ना। मान लो अगर आज तुम्हें कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ा रहा हूँ और मुझे खुद ही नहीं पता कम्युनिकेशन होता क्या, तो बोलूंगा क्या, कुछ नहीं बोल पाऊंगा। तो सबसे पहला क्या है, लर्न करें या रीड करें, चीजों को समझे पहले, तो इनहेंस योर एबिलिटी टू लर्न। हम क्या करें, सीखने की अपनी क्षमता बढ़ाएं। हम चलते हुए दूसरों से सीख सकते हैं, कोई बातें कर रहा है उससे कुछ बातें सीख सकते हैं, किताबों से सीख सकते हो, न्यूज़पेपर पढ़ते हुए उससे सीख सकते हो, बचपन हमारे अंदर क्या होनी चाहिए, सीखने की जिज्ञासा होनी चाहिए, यानी सीखना चाह रहा है। एक छोटा बच्चा भी तुम्हें कुछ चीज़ सिखा सकता है, कुछ अच्छी चीज़ें अगर वो कर रहा है उसे भी हम सीख सकते हैं, जरूरी नहीं कि अपने से बड़े से ही सीखेंगे, कुछ हमसे छोटे होते हैं वो भी हमें बहुत सारी चीज़ें सिखा देते हैं। तो हमेशा क्या करें, इनहेंस करें अपने लर्निंग एबिलिटी को। सेकेंड, अपने आप को बेहतर एक्सप्रेस करने के लिए खुद से क्या करें, मदद करें। खुद से मदद का मतलब जैसे बोलना है तो पहले खुद सामने खड़े हो गए किसी शीशे के सामने, खुद से बोलो बातें, मान लो कि स्पीच तुम्हें देनी है और शीशे के सामने हो जाओ, अपने आप को देखो, बोलो, फिर तुम्हें महसूस होगा अच्छा
मैंने ये गलती की या ऐसे मैं टेढ़ा हो गया, नहीं होना चाहिए था, ऐसे पैर कर लिया, नहीं करने चाहिए था, या मेरा यह तरीका गलत है, तो हम क्या कर लेंगे, अपने आप को नेक्स्ट टाइम सुधारेंगे। तो एक दो बार तीन बार जब करोगे तो धीरे धीरे तुम खुद ही सीख जाओगे कि हमें कैसे बोलना है। ये कुछ ऐसे ही स्पीकर्स हैं जो बोलने वाले, स्पीच देने वाले लोग, इन्हें सोचना नहीं है, वो कहीं खड़े हो जाएंगे, किसी छोटे से पॉइंट को लेंगे, उस पर बहुत सारी चीज़ें बोल डालेंगे, क्योंकि वो हमेशा सीख रहे हैं, हमेशा क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं, और हमेशा देते थे उनके बॉडी का लैंग्वेज या बोलने का तरीका बदल चुका है। तो खुद को हेल्प कर फिर, और हमेशा कोशिश करें क्या बोलने की, सच, इसलिए ना कि हेल्प डेवलप ट्रूथ एंड बिल्ड योर कॉन्फिडेंस। तो क्या करो कि डेवलप करो, यानी जो बोलने को, जो सच बोलने की कोशिश करो, जब सच बोलोगे तो एक कॉन्फिडेंस अपने अंदर खुद ही आ जाता है, ठीक है। या दूसरी बात समझो कि जो भी बातें बोलो वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोलो, हम जो बोल रहे हैं वो सही ही है। जब खुद से भरोसा नहीं रहेगा, कॉन्फिडेंस ना होने का मतलब क्या हुआ, खुद मैं जो बोल रहा हूँ नहीं सही। जैसे मैं बाहर बोल दूँ कि बाहर भारत स्टोर है, और मैं खुद ही कंफ्यूज हूँ कि है कि नहीं है। अच्छा तो कोई पूछ दिया सर सच में है, हाँ होना चाहिए, तो अपने आप को ही मैं कॉन्फिडेंस पे नहीं लिया हूँ, तो मुझे खुद ही नहीं पता है, तो दूसरे को मैं कैसे एक्सप्रेस करूंगा। तो खुद को क्या करें, कॉन्फिडेंस में रखें, और कॉन्फिडेंस कब आएगा, जब चीजें हम सच कहेंगे। कोशिश करें हमेशा सच बोलने की। फिर हेल्प टू बिल्ड रिलेशनशिप, अगर अच्छा हम बोलते हैं, अच्छी बातें करते हैं, तो होगा क्या, अरे बेहतर रिलेशनशिप बनाने में, संबंध बनाने में हमारे लिए वो कारगर होगा। जैसे दो मित्र हैं और बहुत प्यारी बातें कर रहा है, या कोई तुम्हें नहीं जानता, मान लो एक नया लड़का या लड़की आई और किसी दूसरे से मिले, बहुत प्यारी बातें कर रहा है, तुरंत सहेली बन जाएंगे, है ना, तुरंत व्हाट्सएप नंबर भी ले लिया जाएगा, और शाम को बात करेंगे, अभी सर आ जाएंगे, बात नहीं हो पाएगा, और बच्चों में चला बाहर मिलना, आराम से बतिया जाएगा, हाँ चाय की दुकान के सामने खड़े होके, वैसे ही ना, और नहीं हो चाय दुकान पे तो भाई पान के दुकान के सामने खड़े होकर बतिया लेंगे, नहीं किसी दुकान सामने बतियाएंगे, और वो भी नहीं हो तो चौक पे बतिया लेंगे। तो क्या होगा, जब गढ़े बेहतर कम्युनिकेशन होगा तो बहुत सारे दोस्त भी होंगे हमारे, होंगे ना। फिर हेल्प टू बूस्ट मोरल्स, मोरल्स मीन्स क्या होता है बेटा, जो हमारे अंदर की जो बोलते हैं ना एक आत्मविश्वास, उसको बिल्ड करने में मदद, तो मोरल डेवलप करने में मदद करता है, साथ ही साथ करता क्या है, जब तुम बढ़िया बोलोगे, अच्छा बोलोगे, तो तुम्हारी खुद की वैल्यू भी बढ़ेगी। जब अच्छा बोलोगे तो तुम्हारी बातें सुनना पसंद करेंगे लोग, और जब अच्छा नहीं बोलेंगे तो बातें सुनना पसंद नहीं करेंगे, तो वैल्यू कम होगी। तो बेहतर बोलने से क्या होगा, खुद की वैल्यू भी बढ़ेगी बेटा। और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं बेटा, जैसे हम बेहतर वक्ता बन सकते हैं, प्लानर बन सकते हैं, सेमिनार, ये सब चीज़ें। अब कम्युनिकेशन की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं ये जान लेते हैं, कि कम्युनिकेशन जब भी होता है, देखो कम्युनिकेशन प्रोसेस इन्वॉल्व एट लीस्ट टू पीपल, कि कम्युनिकेशन जब भी हम करेंगे तो मिनिमम दो व्यक्ति तो होने ही चाहिए, जैसे मैं बोल रहा हूँ कोई सुनने वाला भी तो चाहिए, नहीं रहेगा मैं चिल्लाते रह जाऊँ, लेकिन खुद से दो व्यक्ति बना सकते हो, मैंने बताया शीशे के सामने खड़े जाओ, एक तो तुम हो, एक तुम्हारा प्रतिरूप, और भी तुम्हें बहुत सारी चीज़ें बताएगा, है ना। और जो चीज़ें जैसे ही होता है ना कि हमें अंग्रेजी बोलने, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है, हम अंग्रेजी नहीं बोल पाते, या बोलना बहुत सारों को लोगों को आता भी है, बट क्या करते हैं, बोलने में झिझक होती है, तो खुद से बोलो, वहाँ पे खुद तुम हो गए, असल तुम्हारे सामने तुम्हारा प्रतिबिंब, उससे बोलो, बहुत सारी बातें करो, तो हंसेगा भी नहीं तुम पे, है ना, और बहुत सारी चीज़ें तुम्हें क्या कर लेगा, सिखा भी देगा। फिर
तो जब दूसरी बात कम्युनिकेशन है बाय मैसेज, तो जब भी हम बातें करें तो उसका कोई मतलब हो, लूज टॉक ना हो, फालतू बैठे हैं और पूछते हैं अच्छा आज क्या खाना खा के आए, आज हमारे यहाँ बना था, हाँ आज तो जान नहीं हो, मैं तो जाऊंगी आज खेलने बैडमिंटन शाम को, अब कुछ होंगे कि आज छोड़ा तो क्रिकेट खेलने चलना है, कोई मान लो बता रहा है क्या प्रोजेक्ट जमा करना है, तो दूसरा बोले अरे छोड़ो प्रोजेक्ट वोजेक्ट तो जमा होता ही रहता है, इसमें क्या रखा है, कल वो दे देंगे परसों दे देंगे, तो दे ही देंगे किसी दिन, है ना। आज क्रिकेट खेलना मान लो आज का मैच गड़बड़ा गया तो फिर कहाँ होगा, फिर मैच तो हो नहीं पाएगा आज का, है ना सर। तो क्या होना चाहिए सिंपली कि एक मैसेज होना चाहिए बात करते समय, सेकेंड कम्युनिकेशन की तीन मैथड जो बताया कि तीन मैथड हो सकते हैं, या तो हम क्या करें रिटेन फॉर्म में दे, या तो ओरली दे, या हम क्या करें पॉस्चर बॉडी पॉस्चर के थ्रू बता सकते हैं। थर्ड है कम्युनिकेशन इज अ टू वे प्रोसेस। टू वे प्रोसेस का मतलब क्या हुआ, जैसे मैं बोलते जा रहा हूँ तुम लोगों से कोई आप बातें नहीं हो रही हैं, इसका मतलब दो हो सकता हो, या तो तुम्हें बहुत अच्छे से मेरी बातें समझ में आ रही हैं, या तो बिल्कुल नहीं समझ में आ रही हैं, ये दोनों हो सकता है बातें, कि बहुत समझ में भी आएंगे तब भी उधर से कोई आवाज नहीं आएगी, सारी बातें समझ में आ गई मेरी, जब मेरी सारी बातें तुम्हें समझ में आ गई तब भी वहां से कोई उत्तर नहीं मिलेगा, और बिल्कुल समझ भी नहीं आएगी सर के ऊपर चली गई तब भी नहीं आएगा, तो ये बेहतर नहीं होता बेटा। समझ में आ रहा तभी बताओ हाँ सर बेहतर है, ये चीजें अच्छी समझ में आई, अब नहीं आए तब भी पूछो, क्योंकि कम्युनिकेशन एक टू वे मेथड है। टू वे का मतलब कि अगर मैं बोल रहा हूँ साथ में तुम लोग भी क्या करो, हाँ कुछ चीजें जो तुम्हें समस्या बताओ, या अपने मित्र से बातें कर रहे हो, तो कुछ लोग होते हैं ना कि अपने बोलते हैं वो कुछ बोलेगा तुरंत अपनी शुरू कर देंगे और उसका सुनेंगे नहीं, तो ये क्या माना जाता है बुरा कम्युनिकेशन माना जाता है। कोशिश करें क्या करने की, टू वे हो यानी अपनी बातें रखने के साथ साथ दूसरे की बातें भी सुने कि वह क्या कहना चाहता है, तभी कम्युनिकेशन आगे बढ़ेगा, ये तो कम्युनिकेशन वहां पे क्या हो जाएगा रुक जाएगा। फिर प्राइमरी पर्पज ऑफ कम्युनिकेशन टू जनरेट अ रिस्पॉन्स। देखो प्राइमरी हमारा पहला पर्पज क्या होना चाहिए बात करने का, कि दूसरे का रिस्पॉन्स मिले, जैसे मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ तो इसका मतलब तुम्हारे अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ बुरा पढ़ा रहा हूँ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है इसका कोई मतलब नहीं होगा। तो पहला पर्पज क्या होता है कम्युनिकेशन का, ताकि वहाँ से रिस्पॉन्ड आए कि चीज़ें क्या हैं, पढ़ाना ही नहीं है जो भी तुम बातें कर रहे हो उससे लिए जो रिस्पॉन्ड आए कि जो तुमने बोला वो सही है या। तो कम्युनिकेशन में भी फॉर्मल हो सकता है इनफॉर्मल। फॉर्मल का मतलब क्या हुआ, जब हम प्रोफेशनली कोई बातें कर रहे हैं किसी इंस्टीट्यूशन में गए हैं या किसी ऑफिसर से बात कर रहे हैं या किसी अपने से बड़े से बातें कर रहे हैं, और जिनवन सिंपल जो हमें समझ लो कि प्रोफेशनल काम से रिलेटेड बातें कर रहे हैं ये हो जाएगा फॉर्मल टॉक। एक होता है इनफॉर्मल। इनफॉर्मल का मतलब जैसे समांतर से तुम लोग करते हो अपने बारे में बात करना, आसपास की चीजों के बारे में बात करना है सेक्टर, ये हो गया इनफॉर्मल बातें। और साथ साथ कम्युनिकेशन में कंटिन्यूटी होनी चाहिए। कंटिन्यूटी मतलब समझ रहे हो बच्चा, जैसे मान लो लॉकडाउन के समय लंबे समय तक तुम लोग गायब थे एक दूसरे से दूर, और एक साथ अगर मिले अब बातें ना हुई हो, बहुत सारी बातें रहेंगी समस्याएं रहेंगी, और मान लो जाके किसी ने कह दिया पांडे जी को जान नहीं रहे आंचल तुम्हें बारे में तो यह कह रही थी, अब कम्युनिकेशन हो नहीं पा रहा आंचल से पांडे जी का, तो पांडे जी भी बोलेंगे कुछ ना कुछ तो बात जरूर है फोन भी नहीं किए मुझे, तो मिसअंडरस्टैंडिंग होगी होगी ना। तो क्या करना चाहिए, कंटिन्यूटी होनी चाहिए कम्युनिकेशन में। कंटिन्यूटी का मतलब यह है ताकि बातें क्लियर हों, और कोई बातें नहीं है, जो चीज़ें हैं वो क्या हों क्लियर हों। लेकिन एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना है कि क्योंकि कुछ लोग होते हैं ऐसा बता देते हैं जान नहीं रहे वो तो तुम्हारे बारे में ऐसा ऐसा कह रहा था या कह रही थी, बस दूसरा कहा रुका बताओ थे ओके, हाँ
हाँ सीधे, मान लो कमजोर है तो चुपचाप धीरे से कहेगा अच्छा जाने दो बोलने दो, और थोड़ा सा मजबूत है तुरंत वही करेगा। हाँ रुक पहले होकर हम बताओ तुम्हें साधिक मिले थे। तो यह चीजें होती हैं गलत बेटा। अरे किसी ने कह दिया आपको किसी के बारे में, तो सबसे पहले जिसके बारे में कहा उसने आपको ऐसे कहा है सीधे उससे जाओ पूछो क्या ये बातें सही हैं, हो सकता हो गलत हो सकता हो बातें क्या हो गलत हो, तो सीधे उससे पहले कम्युनिकेट करिए, पूछिए सही है या नहीं। बहुत बार क्या होता है मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती, बातें कुछ और होती हैं, बातें वहां तक कुछ और पहुंच जाती है, हो जाता है क्या हो जाता है प्रॉब्लम, कभी कभी प्रॉब्लम समझ रहे हो किस्म किस्म में हो जाता है, हाथा भाई सब पटकी पटका सर फड़ौल, तो उसके बाद तो जानिए क्या क्या हो सकता है। दिया था बेटा आपके कम्युनिकेशन चैप्टर का, नेक्स्ट है द एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन साइकिल। अब एलिमेंट क्या है, कैसे कैसे हम मैसेज भेजेंगे या एक दूसरे से करेंगे, या एलिमेंट्स, एलिमेंट मींस तत्व, यानी क्या क्या चीजें होते हैं। तो सबसे पहला होता है बेटा सेंडर, सेंडर का मतलब भेजने वाला, जैसे मान लो मैं अभी बोल रहा हूँ तो मैं हूँ सेंडर, और दूसरा होता है रिसीवर या रिस्पॉन्डर होता है, रिसीवर या रिस्पॉन्डर। तो जो बातें सुन रहा है मेरी या जो हमारी बातों का उत्तर दे रहा हुआ रिसीवर या रिस्पॉन्डर कहलाता है, ठीक है। तो कब पहला सेंडर, फिर दूसरा रिस्पॉन्डर, फिर हर एक बातें जो करते हैं अगर प्रोफेशनल हम बातें करते हैं तो उसका एक मीनिंग होता है, एक टॉपिक होता है। जैसे अगर तुम्हें एक एप्लीकेशन देना छुट्टी का तो लिखोगे ना सब्जेक्ट, फॉर वन डे लीव, फॉर टू डे लीव, या किसी भी वर्क से लिए आप कर रहे हो तो सामान्य तौर से जो बातें होती है उसका एक आइडिया या एक टॉपिक होता है, तो टॉपिक होना चाहिए। फिर इनकोडिंग ऑफ मैसेज, सम टाइम जैसे मान लो अगर हम कोई ऐसी बातें भेज रहे हैं जो बहुत ही प्रोफेशनल है या कॉन्फिडेंशियल है, और मैं नहीं चाहता हूँ कि मान लो मैंने भेजा किसी के साथ किसी को देकर कि ले आओ या दे आओ तीसरे को, अब मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि हो सकता है बीच में जिसके साथ मैं भेज रहा हूँ या कोई दूसरा व्यक्ति इसे पढ़ लेगा जिससे क्या हो सकता है नुकसान हो सकता है, हम करते हैं क्या मैसेज को इनकोड कर देते हैं। इनकोड का मतलब जैसे मुझे जिसे भेजना है उसको मैंने पहले बता रखा है कि अगर मैं ए लिख रहा हूँ जिसका मतलब तुम बुआ समझना, जैसे मैंने ए लिख दिया इसका मतलब तुम क्या समझ लेना बुआ समझ लेना, बी लिख दिया तो इसका मतलब रोड समझ लेना, ऐसे हम क्या करते हैं कोडिंग कर दिए। हमने ए बी सी डी के फॉर्म में मैसेज लिख दिया जो चीजें हमें लिखनी है, अब जिसको बीच में मान लो कोई पढ़ लिया तो ए बी सी डी लिखा है, या वन टू थ्री, वन का मतलब मैंने कुछ और भी बता दिया, कुआ का मतलब दरवाजा होगा या बंदूक होगी या कोई भी चीज ऐसी है मैंने बता सकता है उसे, तो सामने वाले पढ़ेगा तो ए बी सी डी है, वन टू थ्री है, इसका क्या मतलब है वो कुछ समझ ही नहीं पाएगा, लेकिन जिसको मैंने भेजा उसको तो मैंने पहले बता रखा है ना कि यह मैं वर्ड लिखूंगा इसका मतलब यह होगा, तो चीजें क्या करेगा वह समझ पाएगा दूसरा व्यक्ति। तो हमेशा मैसेज अगर हम कॉन्फिडेंशियल हो तो क्या करना चाहिए इनकोडेड मैसेज भेजना चाहिए, ठीक है। फिर सिलेक्शन ऑफ कम्युनिकेशन चैनल समझ लो, कम्युनिकेशन चैनल का मतलब जैसे यहाँ मैं तुमसे बातें कर रहा हूँ तुम लोग बातें कर रहा हूँ, तो यहाँ पे सिंपल आमने सामने माइक यूज कर रहा है तो कोई चैनल की जरूरत नहीं है। नहीं मान लो यहाँ से तुम नहीं रहते कहीं दूर रहते तो हम तो या तो ईमेल के की व्यवस्था करता या टेलीफोन से बात करता या फैक्स करता या व्हाट्सअप मैसेज करता, कोई एक मैथड इस्तेमाल करते तो चैनल चलाता है, ये भी एक एलिमेंट है। फिर डिकोडिंग, जैसे इनकोड जब करेंगे बेटा हमने तो इनकोड कर दिया और जो रिसीवर रिसीव किया है वो क्या करेगा इसे डिकोड करेगा तभी तो समझेगा वो, तो एक और एलिमेंट है इसका। फिर नॉइज आ गया, नॉइज का मतलब कि जैसे भी बातें मैं कर रहा हूँ समझा रहा हूँ इसमें दो चार ऐसे हैं कि जो कॉपी उपी लिख रहा है कुछ हैं जो बातें करने में व्यस्त हैं, ये सारे क्या हो गए नॉइज़ी फॉर्म हो गए। नॉइज़ का मतलब यही नहीं हुआ कि
बोलना चिल्लाना है। नॉइज का मतलब यहाँ पे हो गया कि जब मैं बातें कर रहा हूँ या बता रहा हूँ और तुम्हारे तक किसी किसी तरीके से पहुंच नहीं पा रहे हैं, तो जो बीच में समस्याएं आ रही हैं वो सारे नॉइज में आ गए, चाहे वो चिल्लाना हो या तुम्हारी बातें किसी और कर, ध्यान कहीं और है। ठीक है, तो एक बैरियर यह हो गया। ये सारे क्या है, एलिमेंट है कम्युनिकेशन के। कोई समस्या किसी को इसमें, कोई समस्या आप?